हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट, ठीक है, नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन हुआ था उसका आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर पी कंसीडर द होलोमॉर्फिक फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड पर पावर पी। फॉर जो हमारा रीजन दिया है वो होल कॉम्प्लेक्स में है, बट जीरो को आपको छोड़ देना। ठीक है, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। एक दूसरा होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका मैपिंग कहाँ से दिया आपको, होल कॉम्प्लेक्स में माइनस जीरो को हटा दीजिएगा, वो कहाँ जाएगा सी में, सच डेट क्या दिया है, एफ जेड इज इक्वल टू जी डेस जेड, मतलब ये फंक्शन ये इक्वल हो जाए। ठीक है, फॉर जेड ये रीजन जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपका दिया गया है जी डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड फॉर जेड बिलोंगिंग टू होल कॉम्प्लेक्स में क्या घटा देना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड प्लस सी। जो भी रीजन हमारा क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है सी, इसका आपको छोड़ देना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से देखिए, हमारा एफ जेड यहाँ दिया हुआ है होलोमॉर्फिक फंक्शन इस रीजन के लिए, एफ जेड क्या दिया गया है, होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो हमारा कुसी रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलता है, सॉरी कुसी कुसी थ्योरम क्या बोलता है, मान लीजिए कोई एफ जेड फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, एनालिटिक दिया हुआ है, एनालिटिक दिया हुआ है इन रीजन, इन गिवन डोमेन, या रीजन बोलिए इन गिवन डोमेन। ठीक है, इसका लैंग्वेज पर नहीं लिख रही है, आप बस आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर एनालिटिक होगा इन गिवन डोमेन, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो भी होगा एफ जेड डी जेड, ये जो भी जेड स्क्वायर जो रीजन दिया हुआ, ठीक है, ये कर्व या रीजन जो दिया हुआ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज कीजिएगा यहाँ से, ये सॉरी कोसी थ्योरम का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुसी थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटली ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ये कांस्टेंट टर्म है सी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है, बट यहाँ से हमारा क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो गया, जेड बिलोंग टू ये एफ जेड, और डी जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कुसी रेसिड्यू थ्योरम से ये वाला। ठीक है, बट यहाँ आपको क्या कंडीशन पी पर पूछा गया है, कंडीशन पी के लिए आपको निकालना किस कंडीशन, फाइंड अ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन जी सच डेट इतना इक्वल टू इतना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो दिया है, बस हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना होगा तो ये एनालिटिक दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ जेड का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से, जेड बिलोंगिंग टू सी माइनस जीरो, ये क्या हो जाएगा, साइन जेड बाई जेड पावर पी। ठीक है, डी जेड, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम क्या रेसिड्यू निकालेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, टारगेट आप निकाल दीजिए रेसिड्यू एट
जेड इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो में क्या आप करेंगे, इस फंक्शन का हम रेसिड्यू निकालेंगे। तो इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं साइन जेड का, तो हम एक्सपेंशन के थ्रू निकालेंगे। तो एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन में आपको वन बाई जेड का कोफिशियंट देखना होता है, वही आपका रेसिड्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या इसका इंटीग्रेशन क्या कर दीजिए, टू पाई आई और सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन जेड का एक्सपेंशन कीजिए, तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, ऐसे सोन बढ़ता जाएगा और डिवाइड में क्या है वन बाय जेड पर पावर पी, ठीक है। जब ये इसको एक्सपेंशन का अंदर ले जाएगा तो ये क्या लगेगा, जेड पी माइनस वन, ये जेड थ्री माइनस पी फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड फाइव माइनस पी फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिया है कि किस वैल्यू ऑफ पी, तो ऑल इवन इंटीजर, दूसरा ऑल ऑड इंटीजर, तीसरा ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री, चौथा ऑल मल्टीपल ऑफ फोर। तो आपको देखना किस, ये आपका क्या आना चाहिए जीरो, ये कब आएगा पी का किस कंडीशन के लिए जीरो आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऑल इवन इंटीजर दिया है, तो मान लीजिए इवन इंटीजर हम किसी एक के लिए टू के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हमको चाहिए, ऑल 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 इवन इंटीजर के लिए, तो इवन इंटीजर का आप टू के ले लीजिएगा, ऑल इवन इंटीजर के लिए जेड इक्वल टू, या फोर लेके देखिए आप क्या, तो फोर लेके देखिएगा आप, ठीक है। जेड इक्वल टू फोर लेके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये थ्री माइनस फोर होगा तो वन बाई जेड का कोफिशियंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वन बाई जेड का कोफिशियंट ये हमारा टर्म आ जाएगा, ठीक है, वन बाई जेड का देख लीजिए, ठीक है। तो वन बाई जेड का कोफिशियंट क्या मिलेगा आपको, माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। मगर ये हमारा जीरो आना चाहिए, रेसिड्यू अगर जीरो आएगा तभी ना वो इंटीग्रेशन जो भी हमारा ये आपका है साइन जेड बाई जेड का पावर पी जीरो होगा, क्योंकि ये क्या होता है टू पाई आई एंड सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। तो इस केस के लिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फिर ऑल ऑड इंटीजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, ऑड इंटीजर के लिए और पी, यहाँ सॉरी ये पी के लिए ना, ये पी, तो यहाँ से पी इक्वल टू ऑड नंबर लेकर चलेंगे, ठीक है। ऑड नंबर लीजिए, तो ऑड नंबर क्या लेकर चलिएगा, कोई भी सिलेक्ट कीजिए, मगर ये ऑल ऑड इंटीजर के लिए दिया है, इसका मतलब कि हम केवल एक ऑड इंटीजर के लिए इसको हम अगर डिस्प्रूव कर दें कि इसका वन बाई जेड का कोफिशियंट मिल जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जेड इक्वल टू हम सेवन लेकर चलते हैं, ठीक है, सेवन लेके चलेंगे, उस समय भी आपका क्या हो जाएगा, ये फाइव, तो ये नहीं मिलेगा, जेड इक्वल टू देखिए ऑड इंटीजर कोई किसी भी वैल्यू को लीजिएगा ऑड इंटीजर के लिए, तो यहाँ देखिए वन बाई जेड का कोएफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, लेकिन देखिए अगर थ्री लेते हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, फाइव लीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, सेवन लीजिएगा तो इसके अगला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड का मल्टी ये है ना एक्सपेंशन, तो ये हमेशा क्या होगा ऑल इंटीजर के लिए, ये हमारा क्या जीरो वैल्यू देगा, तो यहाँ से ऑड वैल्यू के लिए हमेशा क्या मिलेगा, ऑड इंटीजर के लिए वन बाई जेड का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, जीरो, वन बाई जेड का कोएफिशिएंट जीरो मिलेगा, यानी रेसिड्यू इसका जीरो, तो ये क्या हो जाएगा इसका टू पाई आई एस, रेसिड्यू कितना मिलेगा जीरो, तो ये जीरो, यही हमको लाना था, तो यही कंडीशन क्या है हमारा होना चाहिए, तो ये ऑल ऑर्डिन चीज़ें के लिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए, देखिए ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए मतलब सभी मल्टीपल ऑफ थ्री के लिए सही होना चाहिए। किसी एक के लिए आप दिखा दीजिए कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ सिक्स लीजिएगा मल्टीपल ऑफ, ठीक है, यहाँ सिक्स लेते हैं पी इक्वल टू, तो ये देखिए वन बाई जेड का कोएफिशिएंट मिल जाएगा वन बाई फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। तो इस केस में तो हमारा मिल गया वन बाई जेड का कोएफिशिएंट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर। सिमिलरली यही स्टेटमेंट से आप इसको भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन क्या निकल कर आया, ये ऑल ऑड इंटीजर के लिए सही हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या करना था, कोसी थ्योरम को यूज करना था। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है, कैसे करना है।